अगली सुबह सभी कैदियों को मैदान में इकट्ठा किया गया। असल में जूलॉट ने भागने की कोशिश में दो गार्ड्स की हत्या कर दी थी। कुछ ही पलों में उसका सर धड़ से अलग करके उसे मौत के घाट उतार दिया गया। उसे देखकर वहां मौजूद सभी कैदियों की रूह कांप गई। इसके बाद वार्डन ने पेपिलॉन और डेगा को जूलॉट की लाश शमशान में ले जाने का हुक्म दिया, पर रास्ते में अचानक डेगा उल्टियां करने लगा क्योंकि उसने आज तक कोई लाश ही नहीं देखी थी। तब पेपिलॉन ने उसे समझाने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी एक गार्ड ने वहां आकर डेगा को लाश उठाने को कहा, लेकिन जब डेगा नहीं माना तो वो डेगा पर कोहड़े बरसाने लगे। मगर पेपिलॉन से ये सब नहीं देखा गया, इसीलिए उसने गुस्से में एक पत्थर उठाकर गार्ड के सर पर दे मारा। इसके बाद वो वहां से भाग निकला, लेकिन बेचारा डेगा तो डर के मारे हिल भी नहीं पाया। खैर, रात को पेपिलॉन नदी किनारे कश्ती वाले से मिलने पहुंचा। जब पेपिलॉन ने उससे कश्ती मांगी तो वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। पेपिलॉन ने मुड़कर देखा कि गार्ड्स ने